सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बना रहे हैं कश्मीरी दम आलू, एकदम ऑथेंटिक वाली रेसिपी आज आप देखेंगे। तो उसके लिए पहले आलू को मैंने कुकर में डाल दिया है और इसे हमने बॉईल नहीं करना है, बस एक सीटी देनी है। कच्चे पक्के से हम इन्हें बंद कर देंगे गैस को। एक विसल के बाद गैस बंद कर दी थी, फिर आलू निकाल के मैंने छील लिए हैं। अब हमने इन्हें फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करने से पहले कोई भी सिलाई, कांटा, छुरी, किसी भी चीज से आप इसको आलू को गोंद लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत सारे छेद कर दूंगी मैं आलू के अंदर। ये तेल मैंने गरम कर लिया है और आलू डाल देंगे इसके अंदर और आलू को फ्राई करना है हमने बाहर से अच्छे से लाल रंग आने तक, बिल्कुल क्रिस्पी करारा हो जाने तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है, कभी मीडियम कर देती हूँ कभी हाई कर देती हूँ। और ये देखिए एकदम आलू का रंग लाल हो चुका है, इतना ही लाल हमें करना है। बाहर की परत जो है आलू की वो एकदम करारी क्रिस्प हो जानी चाहिए जब तक हमने आलू को फ्राई करना है, तभी इसका असली मजा आएगा। और फ्राई करने के लिए छोटा बर्तन हम यूज कर लेते हैं तो कम तेल में ही काम चल जाता है। तो इतने लाल करके आलू को हम तेल से निकाल लेंगे। आलू फ्राई करने के बाद एक बार इनको फिर से हम गोद लेंगे, चाहे टूथपिक, फोक या छुरी, किसी भी चीज से हम कर सकते हैं इनको। सारे आलू मैं गोद दूंगी दोबारा से। अब ये एक गहरा वाला बर्तन लिया है मैंने जिसमें मैं आलू को दम दूंगी। उसमें मैं डालूंगी लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तेल गर्म हो गया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच इसमें मैं हींग डाल दूंगी, 4 डाल दिए मैंने लौंग और 2 चम्मच भरे वाले भर के मैं इसमें डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता है, कश्मीरी लाल मिर्च में एक स्वीट सा टेस्ट होता है इसके अंदर, कलर काफी अच्छा होता है। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 कप पानी। और इसमें ऐड कर रही हूँ अब मैं 2 बड़े चम्मच भर के सौंफ का पाउडर है और लगभग 1.25 से 1.5 चम्मच में इसमें डाली हूँ जिंजर पाउडर, जो सौंफ बोलते हैं जिसे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे इसके अंदर। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे आलू अपने। और आलू को हमने बहुत अच्छे से छेद कर लिया था सिलाई के साथ, गोंद दिया था, तो उससे ये वाला जो मसाला, ये पूरा फ्लेवर आलू के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। और आलू को कर देते हैं हम कवर, लेकिन जो फ्लेम है वो हमने स्लो नहीं करनी है, वो हम रखेंगे मीडियम टू हाई पे ही और आलू को इसके अंदर पकने देंगे। चेक कर लेते हैं आलू, देखिए कितने बढ़िया से पक रहे हैं उस मसाले के अंदर। और जो मसाला है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है धीरे धीरे, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं आलू। फिर से कवर कर देती हूँ, अभी और पकने देंगे इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे। और अब ये आलू हमारे पकते पकते ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। देखिए इसका मसाला, ग्रेवी इसकी कितनी थिक हो गई है। ग्रेवी आप चाहे तो अपने हिसाब से हल्का सा पानी डाल के इसको पतला कर सकते हैं, बट जो रियल कश्मीरी रेसिपी है उसमें इसमें पानी नहीं पड़ता है। इसमें ये मसाले और तेल का फ्लेवर ही होता है जो बहुत बढ़िया लगता है इसको खाने में। और अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये रेडी हो गए हैं आलू। और इन्हें खाया जाता है चावल के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और खाएंगे इसे हाथ के साथ, चम्मच का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ ये आलू अंदर से कितना बढ़िया, एकदम देखिए कितना सॉफ्ट, एकदम टूट रहा है, थोड़ा सा गर्म है। और इसको ऐसे ही थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा मसाला लीजिए, चावल के साथ अच्छे से मिक्स करके खाइए, बहुत ही बढ़िया मजा आएगा आपको। मैं लेती हूँ इस गर्मा गर्म फूड का मजा और बताइएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू।